स्वागत है आप सभी का इस वीडियो सीरीज के अंदर, जिसमें हम कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस वीडियो सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। वायरस का विस्तृत रूप होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। और वायरस होता क्या है? वायरस होता एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, लेकिन वो गलत मकसद के लिए बनाया गया होता है। वो आपका डाटा चोरी कर सकता है, उसे डिलीट कर सकता है, उसे इनक्रिप्ट कर सकता है। इनक्रिप्ट का मतलब है उसे डिक्रिप्ट किए बगैर आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है? तो वो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी बंदे को भेज सकता है थ्रू इंटरनेट। तो वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो गलत इरादों के लिए बनाया गया होता है, और इसका फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है। कौन सी भाषा में प्रोग्रामिंग करना सबसे कठिन रहता है? तो वो होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज के अंदर अगर आपने कंप्यूटर से कोई काम करना है या कंप्यूटर को बताना है कि 2 और 2 का रिजल्ट क्या आता है, तो उस 2 के लिए आपको 010101 इस तरह से कुछ लिखना पड़ेगा, और उस प्लस के लिए भी इसी तरह से 1010 कुछ कोड होगा जो लिखना पड़ेगा। सेम इस 2 के लिए भी लिखना पड़ेगा, और फिर आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा और वो भी इस तरह से 0101 में मिलेगा। तो मशीन भाषा में प्रोग्रामिंग करना सबसे कठिन रहता है। इसी के साथ अगर असेंबली की बात करें तो इसमें आप अगर आपने जोड़ करना है तो आप ऐड वगैरह ऐसे कुछ सिंबल्स लिख सकते हैं, या आप ओनली प्लस लिख सकते हैं। तो इन असेंबली में हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना आसान रहता है, मशीन में सबसे डिफ़िकल्ट या सबसे कठिन रहता है। इसीलिए मशीन भाषा में कठिन रहता है ये। इनमें से कौन सा बटन टॉगल बटन नहीं है? बोल्ड, ये भी टॉगल बटन होता है। इटैलिक, अंडरलाइन, ये तीनों जो है टॉगल बटन होते हैं। टॉगल का मतलब क्या? अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट हमने लिखा है ABC, इसे सिलेक्ट किया और जैसे ही हमने बोल्ड किया इसे, तो ये बोल्ड हो जाता है, ठीक है? अगर फिर से हम बोल्ड का बटन क्लिक करते हैं तो ये वापस से रेगुलर में आ जाता है। तो वो बटन जो जिसे इसी तरह से इटैलिक का भी यही होता है, अगर सीधा ABC लिखा हुआ है हमारे पास, इटैलिक किया, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, और जैसे ही दोबारा इस पे इटैलिक बटन क्लिक करते हैं तो फिर से सीधा हो जाता है। बटन एक ही लेकिन वो काम उल्टा करता है, जो रिज़ल्ट पहले है उसका उल्टा कर देता है। सेम केस जैसे चेकबॉक्स होता है हमारे पास, मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था, मान लीजिए आपने टिक लगाया हुआ है, इस पर दोबारा क्लिक करते हो तो वो टिक हट जाता है, फिर से क्लिक करते हो तो टिक लग जाता है, टिक नहीं है तो क्लिक करने पर टिक लग जाएगा, और टिक लगा हुआ है तो क्लिक करने पर टिक हट जाएगा। तो वो बटन इस तरह से टॉगल बटन होते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये सभी टॉगल बटन हैं। तो इसका जवाब है इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है, ऑप्शंस हैं हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव, मॉडेम, USB पोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। अगर कंप्यूटर यानी कि CPU की बात करें तो वो इस चीज़ से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है या पहले बात करता है, तो वो ये आपका एक CPU है, मान लीजिए ये आपका CPU है, ये सबसे पहले बात करेगा कैश मेमोरी से। कैश मेमोरी में अगर डाटा मिल गया तो ठीक, नहीं तो बात करेगा रैम से, रैम के साथ जुड़ेगा। अगर रैम में डाटा नहीं मिला तो फिर ये जुड़ेगा डिस्क ड्राइव से, ठीक है? तो इनमें से वो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर सीधे जुड़ने के बाद पहले कैश से, फिर रैम से, और फिर हार्ड डिस्क ड्राइव से, ठीक है? तो इनमें से कोई नहीं। CPU सीधे जुड़ता है या सीधे संपर्क करता है रैम से। डैश CPU के लिए गणितीय गणना करता है, या CPU के लिए वो कौन सा भाग है जो उसकी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में उसकी मदद करता है? तो वो होता है ALU यानी कि अरिथमेटिक
लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का काम है वो काम करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम को खुद को चलने के लिए ज़रूरी होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे पर्सनल काम के लिए बनाए जाते हैं या जो ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, सेम काम इंटरप्रेटर का भी है। और एमएस वर्ड जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे स्पेसिफिक नीड्स के लिए हमने बनाया है। तो इसका जवाब है एमएस वर्ड। किसी एल्गोरिदम को चित्र के रूप में प्रदर्शन करने पर क्या बन जाता है, ठीक है। एल्गोरिदम मैंने आपको बताया था कि अगर कंप्यूटर को अंदर हमने कोई प्रोग्राम बनाना है तो उस प्रोग्राम के स्टेप्स हमें एक खास सीक्वेंस के अंदर लिखने पड़ते हैं, तो उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। अगर उसको हम एक चित्र के रूप में दर्शाएं या ग्राफिकली दिखाएं तो वो बन जाता है एक फ्लो चार्ट। इस तस्वीर में दिखाया गया है फ्लो चार्ट क्या होता है। स्टार्ट हो जाते हैं हम, फिर ठीक है इनकम पढ़ते हैं कितनी है, कॉस्ट पढ़ते हैं कितनी, फिर एक डिसीजन लेते हैं यस कर है तो इस तरफ जाएंगे, नो है तो इस तरफ जाएंगे। स्टेप्स को दिखा रहा है, रिलेशंस को दिखा रहा है किन चीज़ में क्या रिलेशंस है। तो इस तरह के चार्ट को हम कह देते हैं फ्लो चार्ट। एक एल्गोरिथम को अगर हम ग्राफिकली दिखा रहे हैं तो उसे फ्लो चार्ट बोल देते हैं। षट दार्शमिक संख्या प्रणाली के अंक सी का दार्शमिक मान क्या होता है, यानी कि ये पूछता है हेक्साडेसिमल नंबर जो सी है उसका डेसिमल में मान क्या होगा। तो वो होता है, देखिए हमारे पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें होता है 0 या 1, इसका बेस होता है 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है एक ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसमें 0 से लेकर 7 तक संख्याएं होती है, उसका बेस होता है 8। फिर हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम आम यूज़ में लेकर आते हैं, 0 से 9 के बीच में नंबर होते हैं, उसका बेस होता है 10। फिर एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर F तक नंबर होते हैं, उसका बेस होता है 16। अब ये इसी की बात कर रहा है, इसके अंदर कहीं C आता है और उस C का मतलब हमें इस डेसिमल के अंदर पता लगाना है कि उसका कितना होता है। तो 0 से लेकर 9 तक तो वही 0 से 9 को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब 10 आता है इसमें तो 10 को लिखा जाता है A से। इसी तरह B, C, D, E अप टू F होता है, तो इनके नंबर क्या होंगे, B होगा 11 के लिए, C होगा 12 के लिए, D 13, E 14 के लिए और F 15 के लिए। तो हमसे पूछा गया है हेक्साडेसिमल में C का मतलब क्या होता है डेसिमल के अंदर, तो इसका मतलब होता है 12 यानी कि 12। वह कौन सा इनपुट उपकरण है जिससे किसी चित्र को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। चित्र को हमने स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर तो वो काम करेगा स्कैनर। स्कैनर एक जो हार्ड कॉपी प्रिंट आउट है हमारे पास, उसे स्कैन करके एक सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकता है। और भी डिवाइसेस हैं हमारे पास जो चित्र को कंप्यूटर में स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि एक कैमरा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अभी ऑप्शन है स्कैनर का, तो यही वो इनपुट डिवाइस है जो एक चित्र को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करा सकती है। लिनक्स निम्न में से किस व्यक्ति ने विकसित किया है। लिनक्स मैं बता दूं आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि हमारा विंडोज है उसी तरह से ये बनाया था लिनस टॉरवाल्ड ने बनाया है ये, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बिल गेट्स ने बनाया है, ठीक है। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार रह चुके हैं, और डेनिस रिची ने बनाया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन्होंने बनाया लिनक्स और इन्होंने बनाया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए हमें पे करना पड़ता है या इसका लाइसेंस खरीदना पड़ता है, जबकि लिनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए हमें कोई, ठीक है, लाइसेंस नहीं खरीदना पड़ता, फ्री में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बाइनरी संख्या में कौन से अंक प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। बाइनरी में 0 और 1 प्रयोग किए जाते हैं या 0 या 1 को यूज़ किया जाता है।
ऑक्टल भी होता है, नंबर सिस्टम होता है जिसमें 0 से लेके 7 ये ऑक्टल का है, ठीक है। और 0 से 9 हम डेसिमल में यूज़ करते हैं, और 0 से F तक हम यूज़ करते हैं हेक्सा डेसिमल के अंदर। किसी एरे के एक तत्व को किससे पहचाना जाता है? एरे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक वो कंटिन्यूस जगह जगह पर हम एक नाम से कई वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हम एक चाहते हैं कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर नेम स्टोर कराएं, कुछ नेम हमने स्टोर कराने हैं, तो हम एक एरे लेंगे, ठीक है। 4 यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब इसमें 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं। 0 से शुरू होता है, 0 से 4 यानी कि 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ये 0 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पर, ये 3 पर और ये 4 पर। अब सबस्क्रिप्ट से हम एरे में एलिमेंट्स को पहचान सकते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और ये सबस्क्रिप्ट का इंडेक्स हमने क्या दिया है, ठीक है, 4 इंडेक्स दिया है। अगर हम जाना चाहते हैं GHI के पास हम पहुंचना चाहते हैं तो हम लिखेंगे नेम, ठीक है, और सबस्क्रिप्ट के अंदर इंडेक्स दे देंगे 2। तो इससे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, GH और I, इस पर हम पहुंच जाएंगे। तो सबस्क्रिप्ट से हम किसी पर्टिकुलर एक तत्व को पहचान सकते हैं या पहुंच सकते हैं उस तक। सी भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को किसके द्वारा मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है, या सी में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको मशीनी भाषा 01 में कौन कन्वर्ट करता है या कौन बदलता है? तो इसका जवाब है कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर सी भाषा एक हाई लेवल भाषा है, उसको कंपाइल करता है और उसे 01 मशीनी भाषा के अंदर बदल देता है जो कंप्यूटर समझ पाता है। इंटरप्रेटर भी यही काम करता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। कंपाइलर जैसे कि एक प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए 10 इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, तो कंपाइलर इन 10 को एक साथ में कंपाइल कर देगा और आपको पहली बार में बता देगा कि कोई प्रोग्राम में कोई गलती है या नहीं। लेकिन एक इंटरप्रेटर जब इंटरप्रेट करता है तो वो लाइन वाइज करता है, पहली लाइन को देखेगा और इसे एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। दूसरी लाइन को देखेगा, इसमें कोई एरर नहीं है तो इसे भी एग्जीक्यूट कर देगा। जबकि कंपाइलर क्या करेगा, पहले सभी लाइंस को चेक करेगा, अगर सभी लाइंस ठीक हैं तभी इनको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो सी भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है, कंपाइलर। सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था, ये पहले हो चुका है, इसका जवाब है डेनिस रिची ने सी भाषा को बनाया था। किस विस्तार भाग वाली फाइलों को एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जवाब है ये सभी हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब भी किसी फाइल के पीछे मान लीजिए आपकी फाइल है abc.exe, ठीक है, या .bat बैट फाइल या .com, ठीक है। तो ये तीनों फाइल्स ऐसी फाइल्स हैं जिन पर डबल क्लिक करने के बाद इनमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो विंडोज़ के अंदर ये तीनों तरह की फाइल्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए पूरे प्रोग्राम की एक लाइन का अनुवाद कंप्यूटर की मशीन भाषा में किया जाता है, ठीक है। ये इसका जवाब है इंटरप्रेटर। अब ये कैसे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मान लीजिए आपके पास ये एक प्रोग्राम है सी भाषा में या किसी भी हाई लेवल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगर इस पूरे प्रोग्राम को पढ़ने के बाद कोई एरर नहीं है, जब इसे कंपाइल करेगा पूरे प्रोग्राम को एक साथ, तो वो करता है कंपाइलर। लेकिन इंटरप्रेटर एक ऐसी चीज़ है जो लाइन बाय लाइन इसको कन्वर्ट करता रहता है, इस लाइन को पढ़ा कोई एरर नहीं है तो इसे मशीनी भाषा में बदल देगा, फिर अगली लाइन को पढ़ा अगर इसमें एरर नहीं है तो इसे भी मशीनी भाषा में बदल देगा। जबकि कंपाइलर सभी लाइंस को पढ़ेगा, अगर किसी में भी एरर नहीं है तो ही इसे कंपाइल करता है या इसे मशीनी भाषा में बदलता है। तो इंटरप्रेटर एक ऐसी चीज़ है जो पूरे प्रोग्राम की एक लाइन को मशीनी भाषा में बदलता है। विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, इसका जवाब है एडा। ये एक लेडी है, एडा लवलेस इनका पूरा नाम है, एडा लवलेस, ठीक है।
इन्हें कंप्यूटर दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामर या कहा जाता है, जिन्होंने एक प्रोग्राम लिखा कंप्यूटर के लिए काम करने के लिए। और ये चार्ल्स बेबेज, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ये चार्ल्स बेबेज के लिए काम करती थी एडा, और चार्ल्स बेबेज के सिद्धांतों पर इसने एक बनाया कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये पहली ऐसी औरत थी जिसने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था। लाइनेक्स निम्नलिखित में से कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लाइनेक्स सिंगल यूज़र भी है, मल्टी यूज़र भी है, मल्टीटास्किंग भी है, यानी इसका जवाब है ये सभी। अभी सिंगल यूज़र क्या होता है, एक पीसी है हमारे पास, एक बंदा उस पर बैठ के काम कर रहा है और उसके काम को वो पूरा कर रहा है, तो वो सिंगल यूज़र है, ठीक है। जैसे हमारे घर पे हमारे पीसी वगैरह होते हैं, वो सिंगल यूज़र होते हैं। मल्टी यूज़र क्या होता है, जैसे कि बैंक के अंदर, ठीक है, इसमें एक मेन पावरफुल कंप्यूटर लगा होता है बैंक के मेन ब्रांच के अंदर, वहीं से और भी छोटे छोटे डम्प पीसी लगे होते हैं, PC 1, ठीक है, PC 2, ठीक है। मेन पावर इसके पास है, मेन फ्रेम के पास, तो इसे मेन फ्रेम्स के अंदर भी लाइनेक्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं, इनको भी ये काम दे सकता है। और मल्टीटास्किंग मतलब एक पीसी के अंदर एक से ज़्यादा काम लेना, जैसे कि हम इंटरनेट के साथ साथ गाने भी सुन रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग एक से ज़्यादा वो काम कर रहा है। तो ये सभी गुण जो है एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसका जवाब है ये सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया, जैसे कि आपके घर में जो पीसी है उनके ऊपर हम विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हमें किन किन चीज़ों में मदद करती है या उसके कौन कौन से कार्य हैं, पहला देखते हैं। उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र के प्रोग्राम को स्वीकार करना, हम जो इसमें प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं वो हम कर पाएँ, उन्हें यूज़ कर पाएँ, ठीक है। प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट आया है वो हम तक पहुंचाना, प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना, प्रोग्राम को जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे उसे इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, रैम चाहिए, वो भी सभी उनको प्रोवाइड कराना। तो इस प्रकार से ये सभी काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब है बेबेज, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, बेबेज। कंप्यूटर का पिता भी इसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज का पूरा नाम है। करंट डायरेक्टरी से ऊपर की डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न है MS-DOS का या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इसका जवाब है CD:\, ये दो बार है डॉट, ठीक है। ये कैसे होता है, करंट डायरेक्टरी क्या होती है, मैं आपको पहले बताया था कि जैसे कि आप सी ड्राइव के अंदर काम कर रहे हो, उसके अंदर काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं, मान लीजिए ए फोल्डर, बी फोल्डर और सी फोल्डर है उसके अंदर, ठीक है। तो और फिर बी के अंदर मान लीजिए डी और ई नाम के कुछ फोल्डर हैं, अभी आप काम कर रहे हो इस डी फोल्डर के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आप अभी काम कर रहे हो, तो ये आपकी करंट डायरेक्टरी है। अगर आप इससे ऊपर की डायरेक्टरी यानी कि इसके ऊपर की डायरेक्टरी कौन सी हो गई, ये बी, अगर आपने बी फोल्डर के अंदर पहुंचना है या इस डायरेक्टरी के अंदर पहुंचना है या इसे करंट डायरेक्टरी बनाना है, तो आपने CD:\ और एंटर प्रेस करेंगे तो आप इस बी फोल्डर के अंदर पहुंच जाओगे और बी आपकी करंट डायरेक्टरी बन जाएगी जो इसके ऊपर है। किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद किससे किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है, इसका जवाब है कंपाइलर। मैंने आपको पहले बताया था कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ये काम कर सकते हैं, असेंबलर भी यही काम करता होता है, लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही फ़र्क है कि कंपाइलर एक पूरे प्रोग्राम को एक साथ में कंपाइल करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक पूरे प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन करता है। तो क्या गया है, पूरे प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद, तो पूरे प्रोग्राम को कंपाइलर एक साथ में कंपाइल करता होता है, इसीलिए इसका जवाब कंपाइलर। कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइट में स्टोर किया जाता है, तो इसका जवाब है 1 बाइट, यानी कि हमें 8 बिट्स लगेंगी। अगर मान लीजिए हमने कंप्यूटर के अंदर ABC कोई भी स्टोर करना है, तो एक फिक्स्ड 8 बिट का हमें साइज़ या मेमोरी उस पर लगती होती है, 8 बिट को 1 बाइट भी हम कह देते हैं, ठीक है।
तो अक्षर या चिन्ह को स्टोर करने के लिए 1 बाइट लगता होता है। किसी डिस्क की सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी, जिससे सभी कुछ शुरू होता है। जैसे कि आप मान लीजिए सी, कंप्यूटर के अंदर एक सी डायरेक्टरी होती है। सी के अंदर काफ़ी सारे फोल्डर्स होते हैं, उन फोल्डर्स के आगे फिर सब फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो एक वो हिस्सा जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, तो उसे कहते हैं रूट डायरेक्टरी। तो हार्ड डिस्क की सबसे ऊपर की डायरेक्टरी होती है रूट डायरेक्टरी। अभी तक कंप्यूटरों की कुल कितनी पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी है? ठीक है, इसका जवाब है 5 पीढ़ियां अभी तक अस्तित्व में आ चुकी हैं। अब ये कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ में आई थी, 1940 से 56 के बीच में इसका समय माना जाता है। सेकेंड, जिसमें ट्रांजिस्टर यूज़ में आए थे, 1956 से 63 तक का टाइम माना जाता है इसमें। और फिर आईसीज का दौर आ गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या था? एक चिप थी जिसके अंदर ट्रांजिस्टर्स हमने प्लेस किए थे, ठीक है। तो इसका दौर आ गया था 1963 से 1971 में माना जाता है। फिर आ गया था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या गया था कि था तो ये आईसी ही, लेकिन इसमें ट्रांजिस्टर्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। काफ़ी हजारों सैकड़ों इसमें जो है आईसीज या ट्रांजिस्टर जो इसमें आ सकते थे। उसी तरह से इसका टाइम माना जाता है 1971 से 2010 के बीच में। और आज के जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं, VULSI है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इसमें आ सकते हैं, कई मिलियंस तक ट्रांजिस्टर इस सिंगल चिप के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आज तक भी चल रहा है। तो आज के टाइम के तक 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर का हम नाम मान के चलेंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से, तो इसका नाम है एनीएक, ठीक है। एनीएक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगर नॉर्मल यही क्वेश्चन आए तो इसका जवाब है एनीएक। अगर पूछा जाए कि सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था या इसने सजेस्ट किया था। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक है एनीएक, जॉन मैकली ने बनाया। और अगर पूछा जाए सबसे पहला जो काउंटिंग डिवाइस कौन सा था, तो वो था एबाकस, ठीक है। एबाकस कुछ ऐसा होता था, एक स्लेट जिसके अंदर कुछ तारें और तारों के अंदर कुछ मनके होते थे, उनसे जो है कैलकुलेशन की जाती थी। सबसे पहला मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन और सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक एनीएक। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? नई डायरेक्टरी यानी कि एक नया फोल्डर। तो ये प्रश्न है हमारे MS-DOS का या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो नई डायरेक्टरी या नया फोल्डर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं MD, यानी कि मेक डायरेक्टरी, या MKDIR, दोनों में से कोई भी हो सकता है इसका जवाब। तो नया फोल्डर बनाने के लिए MD या MKDIR, CD डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए या किसी और फोल्डर में जाने के लिए, RD डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, या RMDIR भी लिखा हो सकता है। षटदशमिक संख्या 9A बाइनरी में किसके बराबर है? षटदशमिक मैंने आपको पहले बताया, यानी कि हेक्साडेसिमल, जिसका बेस होता है 16 और जिसमें 0 से लेकर F तक संख्या आती है। और बाइनरी मैंने आपको बताया था, जिसमें 0 या 1 होता है और इसका बेस होता है 2। तो अभी करना क्या है, हमने 9A को कन्वर्ट करना है हमने बाइनरी के अंदर। तो पहले इस 9 को करते हैं और फिर इस 1 को करते हैं। ये करना कैसे, आपने आपने एक फार्मूला याद रखना है 1 2 4 8 का। तो अभी आपने 9 के लिए क्या करना है, आपने आपने इस नंबर से 9 बनाना है। कौन सा पेयर है जो 9 बनाएगा? 1 8 और 1 ये 1, इन दोनों को मिला के 9 बन सकता है, बाकी आप 0 फिल कर दीजिए। तो इस 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 1। अभी 1 को क्या लिखना है, 1 का मैंने बताया था इसका क्या होता है, हेक्साडेसिमल में 0 से F तक होता है, 9 तक तो हम
रेगुलर नंबर्स को लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद 10 को हम लिख सकते हैं ए से। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 को हमने लिखना है। तो ए बी सी डी ई एफ, 16 इसमें नहीं होगा, 16 तक जाता है 0 से लेके, तो ये एफ 16 के बराबर होता है। तो अभी ए का हमने करना है, ए क्या है 10। इस पेयर में से 10 कहाँ से मिलेगा या किस चीज़ से बनेगा, तो दोबारा से लिखते हैं 1, 2, 4, 8। अभी 10 बनाना है, 8 और 2 से 10 बन सकता है, तो 1 और यहाँ 1, बाकी 0। तो इसको पेस्ट करते थे यहाँ पर, क्या आ गया 1010। तो ये अभी देखते हैं हमारे आंसर्स के अंदर, 100, फिर 11, फिर 010। तो ये पहला हमारा आंसर बन जाता है। किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं, इसका जवाब है 2। ज़्यादातर हमें एक ही देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। मान लीजिए आपने एक वेब ब्राउज़र खोल रखा है, आप इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहे हो, तो यहाँ पर जो बार होती है पेज को ऊपर नीचे करने वाली, वो होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, यहाँ से यहाँ करने के लिए। और दूसरी हो सकती है, ज़्यादातर नहीं होती लेकिन हो भी सकती है, वो होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, पेज को लेफ़्ट और राइट मूव करने के लिए। किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है। पाठ्य यानी कि टेक्स्ट को अगर हम तिरछा करना चाहते हैं, मान लीजिए ए बी सी लिखा हुआ है नॉर्मल, अगर हम इसे कुछ इस तरह से लिखना चाहते हैं ए बी सी, तो इस तरह से तिरछा करने के लिए इटैलिक का हम यूज़ करेंगे। अगर हम इसे बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे कि ए बी सी, ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए हम इसे बोल्ड पर क्लिक करते हैं, इसे बोल्ड कहते हैं। और एक होता है अंडरलाइन, अगर हम इसके ए बी सी के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो उसे कहते हैं अंडरलाइन। हमने अगर टेढ़ा करना है इसे इटैलिक झुका हुआ, तो इटैलिक बटन पर हम क्लिक करेंगे। कॉलम डी और पंक्ति 5 में पढ़ने वाले सेल का पता क्या होगा, ये एमएस एक्सेल का प्रश्न है। तो एक्सेल के अंदर हम रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन, जिन्हें सेल कहा जाता है, जैसे कि ये एक सेल है, तो ये होते हैं। तो अभी पूछा है D5, यानी कि इसका आंसर है ये पंक्ति डी, इसके अंदर पांचवा जो है एलिमेंट या पांचवी रो के अंदर ये इंटरसेक्शन बनती है, इसका नाम हम लिख सकते हैं D5, ठीक है। जोड़ या घटाव कैसे हो जाती है इनके अंदर, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है B1 के अंदर लिखा है हमने 2 और C1 के अंदर लिखा है हमने 3। अगर हम D1 के अंदर चाहते हैं कि इनका जोड़ हो, तो एक फार्मूला होता है इक्वल टू सम, और इसके अंदर हम लिखेंगे B1 प्लस C1, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 3 और 2, 5। तो हम लिखते हैं इसे B1 और C1, इसी तरह से D पंक्ति के अंदर पांचवी जो रो है उसको D5 कहा जाएगा। आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस के आने का सर्वाधिक सामान्य तरीका क्या है। तो एक कंप्यूटर के अंदर वायरस किस तरीके से सबसे ज़्यादा फैलता है, तो वो ऑप्शन है इनमें से ईमेल्स को खोलकर। सारे तरीके हैं लेकिन ईमेल भेजकर नहीं है, ये सभी तरीके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तरीका यूज़ में हैकर्स लेते हैं वो है ईमेल्स, ठीक है। हैकर में क्या करता है, एक ईमेल भेजता है जिसके अंदर एक फाइल होती है, वो फाइल एक्चुअली दिखने में तो यूज़फुल लगती है लेकिन वो होती वायरस है। जब हम उस फाइल को खोलकर डाउनलोड कर लेते हैं हमारे पीसी में, तो हमारे पीसी के हार्ड डिस्क के अंदर वायरस चला जाता है। तो जो ठीक है, ये तरीका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं, जंक ईमेल्स को हम स्पैम भी कहते हैं, या वो मेल्स जो हमारे ज़रूरत की बिल्कुल नहीं है लेकिन हमारे ईमेल्स पे इसको भरे रखते हैं, हमारे ठीक है डाटा को यूज़ कर रखते हैं, वो जंक मेल्स होते हैं। जैसे कि अमेज़ॉन पे आपने कोई शॉपिंग की, तो
आपने शॉपिंग कर ली, लेकिन उसके बाद भी ढेर सारे ईमेल्स आपको आए जा रहे हैं कि आज इसका प्राइस लो हो गया, ये ज़्यादा बिक्री में हो रहा है। तो वो सारी तरह के मेल्स जो आपके ज़्यादा मतलब के नहीं हैं, स्पैम होते हैं या जंक मेल उन्हें कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस जी के गुरु जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं हमारी नई वीडियो तुरंत पाने के लिए। थैंक यू।